हेलो गाइस, आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट थर्ड। हमें इसमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन उससे पहले जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आने वाले टर्म होंगे हम उनको देखेंगे कि क्या वो टर्म होते हैं, और फिगर में हम देखेंगे और पहचानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहला पार्ट ये रहेगा, और दूसरा एक ऐसा भी केस पढ़ेंगे जिस पर क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आता है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं बताया कि पहचानेंगे कि कौन सा टर्म क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फिगर बना है, शायद आपको ये फिगर के की तरह दिख रहा हो, लेकिन ये के नहीं है। ये क्या है? ये एक सोर्स से आने वाली लाइट है। अब सोर्स क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे आकर के गिरती है। अब वहां से ये बाउंस बैक हो जाती है, यानी ये उसी डायरेक्शन में फिर वापस चली जाती है, ठीक है। यानी ऐसे में मीडियम चेंज नहीं होता है, ठीक। अगर ये एयर मीडियम में थी तो एयर ही मीडियम में ये रहेगी, ठीक है। अगर ये वाटर मीडियम में थी लाइट तो वाटर मीडियम में ही रहेगी। तो ये याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, ठीक है। सोर्स से लाइट आ रही थी, तो जो लाइट आ रही थी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। याद रखेंगे क्या इसको बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अच्छा, जहां पे ये लाइट आती है ऑब्जेक्ट पर, जहां से कॉन्टेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का और इंसिडेंट रे का, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर ये लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, यानी ये वापस चली जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि यहां पे जो मिरर होता है, याद रखिएगा किसके साथ? मिरर के साथ। एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यानी कि 90 डिग्री किसके साथ बनेगा? मिरर के साथ बनेगा। ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें मिरर के साथ, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि बस मिरर के साथ, जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर इसके साथ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ बनने वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन्हीं सारे टर्म को कंबाइन करके दो लॉज दिए जाते हैं। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम देखेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है? सबसे पहला लॉ क्या कहता है? सबसे पहला लॉ कुछ बुकों में यह दिया गया है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सबसे पहले किसी बुकों में इसी को दे दिया गया है, बहुत सारे बुक ऐसे हैं जिनमें जैसे दिया गया है। और सेकंड जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं। एंगल आई और एंगल आर क्या था? एंगल आई था इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, और एंगल आर क्या था? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल। अब कह रहा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ठीक है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल जो होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है यहां पर जो भी टर्म आपको दिख रहा है, कौन कौन सा टर्म दिख रहा है? इंसिडेंट रे, उसके बाद से रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। यानी कि ये सभी इंसिडेंट रे हो या फिर नॉर्मल हो या फिर रिफ्लेक्टेड रे हो, ये सभी के सभी एक प्लेन में लाई करते हैं, ठीक। अच्छा, आप कंफ्यूज ना होइएगा, किसी किसी बुक में इसको पहला बता दिया गया और इसको दूसरा बता दिया गया है, तो कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। बस दोनों ही लॉ है, चाहे एक को पहले पढ़िए चाहे दूसरे को बाद में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि सम अप कर लीजिए जो भी आप पढ़े। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा ही होता है। यानी अगर कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऐसे में क्या होना चाहिए? अगर रिफ्लेक्शन हो रहा तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होने चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, यानी कि ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, प्लेन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद अब जैसा कि
मैं ये बताया कि यहां पे अगर ये रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, लेकिन क्या होगा जब लाइट नॉर्मल, अब यानी कि जो सोर्स है इसको हम यहां से हटा करके अगर नॉर्मल को ही हम सोर्स बना दें, ठीक है, जहां हम नॉर्मल लिखे, मान लीजिए कि एक टॉर्च लें और यहां से हम इस टॉर्च को जलाएं जो कि परपेंडिकुलरली कहां जाती हो, इस मिरर पे जाती हो, ठीक, ऐसे में क्या होगा, अब लाइट जो है यहां से जो गई है ये यहां पे क्या होगी, टकराने के बाद से ये फिर इसी पर वापस चली जाएगी, ये फिर इसी पर वापस चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा फिर ये इसी पर वापस चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हमेशा ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होने चाहिए थे, तो अब यहां पे क्या था कि एंगल आई क्या हो जाएगा और एंगल आर क्या हो जाएगा, वो ध्यान से सुनिएगा, अब लाइट रेज इसी पे अगर गई तो इसके साथ लाइट रेज यहां से वापस गई और आई, तो इंसिडेंट रे भी यही हो गया, रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो गया, ठीक, और नॉर्मल भी यही हो गया, यानी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल कितना बना, 0 डिग्री, क्योंकि वो उसी पे ओवरलैप किया, वो वहां से थोड़ा सा भी डिफरेंस उनमें आया ही नहीं कि हम कोई एंगल बनता हुआ देख पाते, ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पे ओवरलैप कर दिया, तो जब रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पे ओवरलैप कर दिया इट मींस कि रिफ्लेक्टेड रे की भी वैल्यू क्या हो गई, अगर उसके भी एंगल की बात करें, रिफ्लेक्टेड रे से जो बनने वाला नॉर्मल के साथ एंगल होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, वो दोनों ही 0 के बराबर हो जाएंगे और वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां से एक बात याद रखिएगा कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा 0 के बराबर होते हैं अगर लाइट नॉर्मल पे, नॉर्मल से होकर के अगर ट्रेवल करती है तो, ठीक है, ऐसे में जब लाइट नॉर्मल से होकर के जाती है तो वो टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस आ जाती है क्योंकि उसको फर्स्ट लॉ को फॉलो करना होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करना होता है। उम्मीद है आप ये सारे ही टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट था इस चैप्टर का आप समझे होंगे, अगर आप ये टॉपिक समझे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर हमेशा मिलते रहेंगे।